ये तो हो गया इसका जस्ट डेफिनेशन। लेकिन करंट का अपना डायरेक्शन भी होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट है उसके पास अपना डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको हम लोग स्केलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर के पास तीन प्रॉपर्टीज होती है उनमें से ये दो को फॉलो करता है, दो प्रॉपर्टीज इसके पास होती है लेकिन तीसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। वेक्टर के पास तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? एक तो होना चाहिए उसके पास मैग्नीट्यूड, दूसरा होना चाहिए उसके पास डायरेक्शन, तीसरा होना चाहिए कि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना चाहिए। तो करंट जो है इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो मान लेते हैं कि पहले x नीचे आया पार्टिकल, फिर x इधर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं, कहेंगे कि इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है रूट टू एक्स हुआ है ना। ये वेक्टर एडिशन रूल है, फ्री टेल से फ्री हेड को मिला देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि कोई ऐसा वायर है जिसमें से यहां से आई करंट जा रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से यहां रूट टू आई करंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है ना, और इसीलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। कुछ लोग इसको टेंसर भी कहते हैं है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर, जो हमारे सिलेबस में है। टेंसर जो है उसके बारे में हमें कुछ भी जानना नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो करंट है वो हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है।